आज हम बहुत ही कम सामान से ये रेसिपी बनाएंगे, तो देख सकते हो आप कितनी अच्छी कुकीज़ बनी है। सिर्फ एक अंडे का यूज़ किया है और सूजी और थोड़ा सा मैदा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हो आप कितनी अच्छी बनी है। तो ये बहुत कम ऑयल में फ्राई की है मैंने, ज़्यादा ऑयल ना के बराबर ऑयल लगा है इसमें। तो कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हुई है देखा आपने, बहुत आसान इजी रेसिपी है। चलिए मैं आपको यहाँ तोड़ कर भी बताती हूँ। देख सकते हो आप कितनी अच्छी फूली फूली बनी है, तो बहुत कम बजट में बन जाती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू। आज हम बना रहे हैं सूजी और मैदे से बिस्किट। तो देखिए उसके लिए यहाँ लिया है मैंने एक अंडा। वन फोर्थ कप पिसी हुई चीनी, तो ये मैं घर में ही पीस लेती हूँ, तो बाहर से जो रेडीमेड मिलती है वो नहीं लाती हूँ मैं। तो ऐसे ही कम खर्च में रेसिपी बनाना बताती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। देखिए अब इसको अच्छी तरह से हम चीनी और अंडे को फेंट लेंगे। देखिए अच्छी तरह डिजोल्व हो चुकी है चीनी। अब ये डालेंगे एक कप सूजी। थोड़ा सा इलायची पाउडर, दो चुटकी जितना मैंने डाला है, क्योंकि मेरे बच्चे इलायची फ्लेवर भी बहुत कम पसंद करते हैं और वनीला भी पसंद नहीं करती हूँ मैं, तो इसलिए नहीं डालती हूँ। अब देखिए छना हुआ मैदा था, तो ये 1/4 कप मैदा, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आएंगी हमारी बिस्किट में। देखिए अगर बेकिंग पाउडर नहीं होता है तो हम यहाँ बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाव छोटी चम्मच जितना होगा ये बेकिंग सोडा था। अब यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना घी। तो ये देसी घी लिया है मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी कुकीज़ में। चलिए इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट कवर करके रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह फूल जाए। यहाँ रखे हुए इसको 10 मिनट हो चुकी है, 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैं इससे आधा आधा चम्मच ले रही हूँ। अब इसको आप ना चुपना, इसको आप मनचाहा आकार दे दीजिए, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो दे दीजिए। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन लगा रही हूँ। देखिए जो भी आपके घर पे चम्मच हो तो उसी नाप से लीजिएगा, तो सब एक ही साइज़ की आपकी बिस्किट बन जाएगी। चलिए मैं इसी तरह की सारी इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी।
देखिए अब इस डिसेंट की भी मैंने कुछ बिस्किट बनाई है, देखिए चलिए पैन गरम हो गया यहाँ पर, यहाँ रिफाइंड ऑयल में मैं तल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर देसी घी या वनस्पति घी में भी फ्राई कर सकते हो। देखिए इतनी कुकीज़ बनी है यहाँ हमारी, अब इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑयल यहाँ पर थोड़ा गर्म हो चुका है, थोड़े हीट हाथ को लग रही है, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितनी एक बार में आ रही है उतनी यहाँ मैं डाल दूंगी। चलिए थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है, अब इनको पलट देते हैं। देख सकते हो यहाँ छोटे बर्नर पर मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ, तो अच्छे से ये फ्राई होगी गोल्डन ब्राउन। देखिए सब अच्छी तरह से हो चुकी है सब, चलिए निकाल लेते हैं इनको। देख सकते हो आप कितनी फूली फूली, कितनी अच्छी बनी है। इन सबको डाल देंगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी है, एक भी ना फटी है ना टूटी है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। ये मैंने इसमें बेकिंग सोडा इसलिए डाला था ताकि इसके डिज़ाइन उभर के आए। देखिए आप चाहो तो यहाँ बिना बेकिंग सोडे के भी बना सकते हो। देखा आपने, एक भी ना टूटी है ना फटी है, बिल्कुल ना के बराबर ही लगा है, बिल्कुल ना के बराबर ऑयल लगा है। देख सकते हो आप सब कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है ना फटी है। तो ये दो डिज़ाइन मैंने बनाए थे, कैसे कट लगा कर और एक ऐसे डिज़ाइन में, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान सी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। चलिए मैं आपको तोड़ कर भी यहाँ बताती हूँ। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी है, चलिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।